हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, वुड वुड का नाम आपने सुना होगा। वुड एक ऐसा चीज़ है जिसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग अभी तक कंफ्यूज हैं। मीन्स काफ़ी सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि वुड का इस्तेमाल हम कब कब और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। तो आज मैं यही कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, वुड का इस्तेमाल हम कई तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। समझना यह जरूरी है कि किस तरह के सेंटेंसेस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड आखिर है क्या? व्हाट इज द वुड? वुड एक मॉडल वर्ब है जो विल और शैल का पास्ट होता है, वुड होता है। विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पास्ट की बात कहने के लिए ही हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं शुरुआत से। पहला नंबर, जो पहला यूज़ है वुड का, सबसे पहली बात, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस को आपको मैंने मे, माइट या कुड से भी बनाना सिखाया है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस को वुड से भी बना सकते हैं। वुड से, जैसे अगर हम पॉसिबिलिटी में बोलते हैं कि वो शायद कल मुंबई जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि ही मे गो टू मुंबई टुमारो, या ही माइट गो टू मुंबई टुमारो, या ही कुड गो टू मुंबई टुमारो। लेकिन हम वुड का भी इस्तेमाल कई स्थितियों में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही वुड गो टू मुंबई टुमारो। ओके फ्रेंड्स, हम कुछ ज़्यादा सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा सेंटेंसेस को आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आते जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ मैं इसके बारे में, जो संभावना वाले मीन्स पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस को हम ज़्यादातर मे, माइट या कुड लगाकर भी बना सकते हैं। बट फ्रेंड्स, हम ऐसे सेंटेंसेस को वुड लगाकर भी बना सकते हैं। अगर मैं पक्का बात बोलूँगा कि वो कल आएगा, तो हम बोलेंगे कि ही विल कम टुमारो। बट हम ये संभावना में बोल रहे हैं, मीन्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कन्फ्यूजन है, तो ही वुड कम टुमारो हम बोल सकते हैं, या ही मे या माइट कम टुमारो भी बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस, दे वुड प्ले मैच, वे लोग मैच खेलेंगे। मीन्स पक्की बात नहीं हो रही है, बस संभावना में बात कही जा रही है कन्फ्यूजन में, कि वे लोग मैच खेलेंगे, मीन्स शायद खेलेंगे, नहीं भी खेल सकते हैं। या दे में या माइट लगाकर भी हम बना सकते हैं, तो दे में प्ले मैच। तो तीसरा सेंटेंस है, माई फादर वुड बाई बाइक, मेरे पिताजी बाइक खरीदेंगे। ये संभावना वाली बात कही जा रही है, कुछ कन्फर्म नहीं है। दूसरा इस्तेमाल, द सेकेंड यूज ऑफ वुड, हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वुड का? तो कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी, कि ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा हुआ होता तो वैसा हुआ होता। इस तरह के सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम किस तरह से वुड का इस्तेमाल करते हैं? तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अगर तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हें वो बुक देता, अगर मैं मुंबई गया होता तो तुम्हारे लिए वो बुक लेके आता, अगर वो कठिन मेहनत किया होता तो पास हो जाता। इस तरह के सेंटेंसेस, अगर मैं चिड़िया होता तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, और इसको हम वुड का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं कि वुड का इस्तेमाल हम इंग्लिश में किस तरह से करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। अभी इन सेंटेंसेस को लीजिए। पहला सेंटेंस है, इफ यू केम टू मी आई वुड गिव यू दैट बुक। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस में कोई शर्त, किसी शर्त की बात की जाती है, और दूसरा सेंटेंस से पता चलता है कि वो शर्त पूरा नहीं हो सका या पूरा नहीं हो पाया। तो इफ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, आई वुड गिव यू दैट बुक, मैं तुम्हें वो किताब देता। दूसरा सेंटेंस है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यहाँ पर अब आई के साथ वर क्यों लगाया गया है? तो फ्रेंड्स, जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं, मींस प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आई हो, ही हो, यू हो, दे हो, सबके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे।
तो फिर सेंटेंस क्या है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। तीसरा सेंटेंस है इफ ही वर्क हार्ड ही वुड पास, अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो जाता। चौथा सेंटेंस है इफ आई वेंट टू मुंबई आई वुड सी फिल्म सिटी, अगर मैं मुंबई गया होता तो मैं फिल्म सिटी देखता। तीसरा है ऑफर, हम ऑफर के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम किसी को कुछ ऑफर देते हैं कि क्या आप चाय पियेंगे, वुड यू हैव टी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, वुड यू प्ले विथ मी, इस तरह के ऑफर वाले सेंटेंसेस में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं। अब इन सेंटेंसेस को लीजिए, वुड यू कम विथ मी मीन्स इसमें हम ऑफर की बात कर रहे हैं, ऑफर की बात कर रहे हैं हम। हम जब भी किसी से किसी को कुछ ऑफर देते हैं तो उसको हम वुड लगा कर ही बनाते हैं फ्रेंड्स। तो वुड यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, वुड यू मैरी मी, क्या आप मेरे साथ शादी करेंगे, वुड यू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या क्या आप चाय लेंगे, वुड यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें ऑफर वाली बातें, हम किसी को ऑफर कर रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाने के लिए वुड का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चौथा है वुड लाइक टू, वुड लाइक टू का हम जब इस्तेमाल करते हैं मिस किसी की पसंदगी और नापसंदगी जानने की हम कोशिश करते हैं, चाहत करते हैं, तो हम वहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम अपने बारे में भी बता सकते हैं या किसी और के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे, ये सेम सेंटेंसेस हो गया, जैसे वुड यू प्ले विथ मी, तो इसमें हम लाइक टू लगाते हैं, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, और हम अपने लिए भी वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपनी पसंदगी बताने के लिए कि जैसे हम मैं चाय लेना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू हैव टी, इस तरह से हम वुड लाइक टू का इस्तेमाल करते हैं, तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, या हम कुछ सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं। अब इन सेंटेंसेस को लीजिए, ये सेंटेंस भी ठीक उसी तरह से है जैसे मैंने अभी पिछली बार बताया कि वुड यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, वुड यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो बस इसमें लाइक टू का इस्तेमाल हुआ है लेकिन अर्थ वही निकलता है। इसमें हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे या क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, आई वुड लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक, हम अपने लिए भी बोल सकते हैं। हम पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी और के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने लिए भी वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तीसरा सेंटेंस है आई वुड लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करूंगा या चाहूंगा। आई वुड लाइक टू प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेलना चाहूंगा या मैं आपके साथ खेलना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू कम विथ यू, मैं आपके साथ चलना पसंद करूंगा या मैं आपके साथ आना चाहूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे ये मिस पसंदगी या नापसंदगी जानने के लिए बताई जाती है, ये सेंटेंस कही जाती है, बोली जाती है। ओके फ्रेंड्स।